यह मेरा यूपीएससी में 6th अटेम्प्ट था, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई, सेकंड अटेम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक जाती हूँ, बट फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरा प्रीलिम्स पास नहीं होता है। फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ये यूपीएससी जर्नी मेरे लिए बहुत बड़ी रही। यहाँ बहुत सारे मैंने हाईज, लोज, एंजाइटी, पेन सब देखा। मैंने बहुत बार, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद क्विट कर देना चाहिए, मुझे शायद नहीं देना चाहिए, शायद मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी हूँ। आज इस सक्सेस स्टोरी में मैं एक्चुअली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, मेंटर्स, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास दिखाया जब शायद मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैं नरेला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना शायद टैबू माना जाता है, जहाँ अगर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उनसे शादी कौन करेगा, इस बात को सोचा जाता है। आज जब मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे अपने ही क्षेत्र में बहुत से बुजुर्ग, बहुत से दादा दादी, नाना नानी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, हम उनके साथ उनकी जर्नी में उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कोई भी मिथ के अंदर मत पड़िए और आप बस लगे रहिए, काम करते रहिए।